तो दोस्तों आज के वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक तो ये रहेगा कि जो भाई किसी कारण से वे प्रोटीन नहीं ले पाते, उसकी जगह प्लांट प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो प्लांट प्रोटीन उनके मसल्स के लिए उतना ही इफेक्टिव है या नहीं है जितना कि वे प्रोटीन होता है, और उस प्लांट प्रोटीन से जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है आपके वे प्रोटीन जितना होता है या नहीं होता है, एक टॉपिक तो ये रहेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम अपना पहला पॉइंट, यानी कि आपका जो प्लांट प्रोटीन है कितना इफेक्टिव है आपके मसल्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हमारा वे प्रोटीन है वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यानी कि उसमें सारे अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं जिसके कारण उसे कंप्लीट सोर्स कहा जाता है। लेकिन जो हमारा प्रोटीन सप्लीमेंट जो कि किसी एक प्लांट से ड्राइव किया जाता है वो उतना कंप्लीट नहीं रहता, क्योंकि किसी में कुछ अमीनो अवेलेबल हैं तो दूसरे नहीं है, और वहीं किसी दूसरे प्लांट प्रोटीन में दूसरे अवेलेबल है और पहले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एक राजमा चावल की डिश कंबाइन करके खाते हैं, साइंटिफिकली क्या प्रूव होता है कि राजमा और चावल जब दोनों साथ में कंबाइन होते हैं तो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बन जाते हैं। जिस तरह की जो हम राजमा खाते हैं उसमें मिथियोनाइन नाम का एक अमीनो एसिड है वो मौजूद नहीं रहता, दूसरी ओर राइस में वो मौजूद रहता है। जब राइस और राजमा चावल जो एक ट्रेडिशनल डिश है हमारे पंजाब की और पूरे भारत में खाया जाता है, जब दोनों आपस में कंबाइन हो गए तो जो अमीनो राजमा में नहीं थे वो चावल में से मिल गए, और जो चावल में नहीं थे वो राजमा से मिल गए, दोनों मिलकर हो गया आपका एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसी तरह दोस्तों जो हमारा प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट है ये मोस्टली आप देखोगे ब्लेंड होगा किन्हीं दो प्रोटीन्स का, जिस तरह जो मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है ये ब्लेंड है पी प्रोटीन का और ब्राउन राइस प्रोटीन का। सो दोनों मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बन जाता है और ये आपके लिए उतना ही इफेक्टिव हो जाता है जितना कि आपका वे प्रोटीन होता है। सो दोस्तों आई होप कि पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, यानी कि अगर आपका प्लांट प्रोटीन ब्लेंड है किन्हीं दो प्लांट प्रोटीन्स का और उसके जो अमीनोस हैं एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो आपके मसल्स के लिए उतना ही इफेक्टिव है जितना कि आपका वे प्रोटीन इफेक्टिव है। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं इस प्रोडक्ट को, यह है एज इट इज का प्लांट प्रोटीन। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये 200 ग्राम की पैकेजिंग मैंने अमेजन से परचेज की थी 437 रुपए में, यानी कि 437 रुपीज में। वहीं अगर आप इसकी 1 kg की पैकिंग मंगवाते हैं तो आज की डेट में इसका प्राइस है 1699, यानी कि 1700 रुपए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की, तो जैसे ही आप न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में नजर डालेंगे तो ये क्लेम करते हैं कि इनकी एक सर्विंग जो कि 34 ग्राम की है, 34 ग्राम इसमें जो एक स्कूप है वो 34 ग्राम का उन्होंने नहीं डाला हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इस तरह का आपको एक छोटा सा स्कूप मिलेगा और कंपनी कहती है कि इस तरह के अगर आप 3 स्कूप डालोगे तो 34 ग्राम की एक सर्विंग गिनी जाएगी। 34 ग्राम की सर्विंग में आपको 134 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन मिलेगा आपको 25 ग्राम, फैट मिलेगी आपको 1.75 ग्राम, कार्ब्स मिलेंगे आपको 4.75 ग्राम, डाइटरी फाइबर 1.3 ग्राम और एडेड शुगर 0। अब दोस्तों ये जो मैक्रोज हैं ये कंपनी ने कहाँ से ड्राइव किए हैं, इनके इंग्रेडिएंट कौन से हैं, तो जल्दी से एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया ये प्रोडक्ट ब्लेंड है पी प्रोटीन आइसोलेट और ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट का, साथ में कोकोवा पाउडर क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर है, हर्बल ब्लेंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कौन कौन से हर्बल्स कंपनी ने यूज़ किए हैं, इंजाइम्स, कुछ विटामिन मिनरल और फ्लेवर, ये सारे हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें स्कूप एक्यूरेसी की तो कंपनी ने मेंशन किया 3 ही पिंक स्कूप, तो इसलिए मैं स्कूप एक्यूरेसी वाला पॉइंट पूरी तरह से स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम एक स्कूप को हीप लेते हैं तो 1-2 ग्राम का फर्क आ जाता है, और अगर 3 स्कूप डालेंगे तो डेफिनेटली वो 3-4 ग्राम का डिफरेंस आ जाएगा। सो आज के लिए हम स्कूप एक्यूरेसी वाला पॉइंट बिल्कुल स्किप कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अमीनो एसिड प्रोफाइल की, तो कंपनी ने अपने EAAs और NAAs बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर मेंशन किए हुए हैं, अगर हम इनका सम अप करें तो लगभग उतना ही आएगा जितना कंपनी एक सर्विंग में बताती है आपको प्रोटीन कंटेंट मिलेगा, यानी कि लगभग 25 ग्राम के आसपास ही आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसकी मिक्सेबिलिटी की, तो मिक्सेबिलिटी के लिए एज ऑलवेज मैंने अपने शेकर में थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, इसमें मैं 3 स्कूप डालूंगा अपने छोटे स्कूप के क्योंकि कंपनी ने 3 ही बोला है, 1, 2 और 3। तो देखिए दोस्तों मिक्सेबिलिटी में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो सप्लीमेंट है पानी में मिक्स हो चुका है। मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा था, आप देख सकते हैं मेरा बॉक्स लगभग ख़त्म ही होने वाला है, तो मुझे ऑलरेडी पता था मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की
बहुत बढ़िया है। इसके बाद दोस्तों अगली बात करते हैं फ्लेवर की। फ्लेवर का कंपैरिजन अगर आप वे प्रोटीन से करोगे तो आपको निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि किसी भी प्लांट प्रोटीन का फ्लेवर इतना बढ़िया नहीं आता जितना हमारे वे प्रोटीन सप्लीमेंट का आता है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे प्लांट प्रोटीन के साथ कंपेयर करो, जिस तरह की हमने अपने चैनल पर कुछ दिन पहले एक प्रोडक्ट का प्लांट प्रोटीन का रिव्यू किया था, उसके मुकाबले में इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया है। प्लांट प्रोटीन के मुकाबले में आपको पीने में कोई मुश्किल नहीं आने वाली, वे प्रोटीन के मुकाबले में इसका फ्लेवर काफ़ी कम है। इस कप को दोस्तों मैंने इसलिए फिनिश किया है क्योंकि एक भाई ने काफ़ी दिन पहले एक वीडियो के नीचे कमेंट डाला था कि भैया आप जो प्रोटीन शेक करते हो, जो टेस्ट चेक करते हो, टेस्ट चेक करके नीचे रख देते हो, आप उसे पीते नहीं हो। तो इसीलिए मैंने आज पूरा ड्रिंक किया कि भैया मैं आपके सामने वीडियो में चाहे नहीं लेता, लेकिन अपने रूटीन में मैं अपना प्रोटीन कंटेंट पूरा करने के लिए इन सप्लीमेंट्स को रेगुलर बेसिस पर यूज़ करता हूँ। इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं लेबल की। तो लेबल पर कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि इनका, पहले उन्होंने लिखा स्कूप इनसाइड, उसके बाद GMP सर्टिफाइड है, थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड है, डोप फ्री है और हैवी मेटल टेस्टेड भी ये प्रोडक्ट उनका है। बहुत बढ़िया क्लीन लेबल है, एज इट इज प्लांट प्रोटीन, 25 प्रोटीन पर सर्विंग, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम सर्विंग की कॉस्ट की बात करें तो अगर आप केजी वाली पैकिंग खरीदते हैं 1700 रुपये का एक केजी प्रोडक्ट, तो आपको उसमें से लगभग 28 स्कूप मिलेंगे। एक स्कूप आपको लगभग 61 रुपीज का कॉस्ट कर जाएगा। तो दोस्तों ना तो ये प्रोडक्ट किसी भी मामले में कॉस्ट के मुकाबले में वे प्रोटीन से कम है, कॉस्ट भी लगभग उतनी है, और ना ही क्वालिटी के मामले में। अब दोस्तों बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, इस प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट। तो मैं आपको बता दूं, कंपनी क्लेम करती थी 34 ग्राम के स्कूप में प्रोटीन मिलेगा 25 ग्राम, और 25 ग्राम प्रोटीन 34 ग्राम के स्कूप में हो जाएगा 73.52%, और अकॉर्डिंग टू माई लैब रिपोर्ट फ्रेंड्स इट इज 77.38%, यानी कि कंपनी के बताए हुए से लगभग 5% ज़्यादा। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बार ये जो लैब रिपोर्ट आप देख रहे हो ये एज इज बेसिस पे है, यानी कि अगर हम इसको ड्राई बेसिस पे काउंट करें तो ये लगभग 3-4 ग्राम और बढ़ जाएगा, 80 ग्राम के आसपास इसमें प्रोटीन कंटेंट आपको मिलेगा। तो ये था दोस्तों इस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।